और देखिए विनेश विनेश क्या कहना चाहिए। ये आपको साक्षी मलिक दिख रही होगी, जो महिलाओं को भी उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पे कुछ महिला फोर्स आई है, जो यहाँ पे इनको जबरन पे कुछ लड़कियां यहाँ पे लगातार बैठ गई है। और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने चाहते हैं कि महिला पहलवानों को न्याय दो। वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से इनको डिटेंट किया जा रहा है, और लगातार इनको बस में भरने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। और कुछ लड़कियाँ जो हैं वो सड़क पर बैठ गई है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हम महिला पहलवानों को जो न्याय दिलाने की बात हो रही है वो न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम महिला यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या इस तरीके से न्याय की आवाज़ों को यहाँ पे आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पे लोगों को डिटेंट कर लिया गया है, और कुछ लोगों को डिटेंट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से यहाँ पे तमाम दिल्ली पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर, तमाम लोग सीनियर अधिकारी, तमाम लोग यहाँ जंतर मंतर से निकल कर यहाँ पे जो माहौल, यहाँ पे कुछ छात्राएं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पहुँची थी, जो महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, और वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे बैठी हैं और यहाँ पे न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तारी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे 60-70 लोगों को उठा लिया गया है। हम लोग इधर उधर से कोशिश कर रहे हैं कि रैली में समर्थक बन सके, और यहाँ पे पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है हम लोगों को। यहाँ पे महिलाओं को भी उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पे कुछ महिला फोर्स आई है, जो यहाँ पे इनको जबरन इनको घसीटा जा रहा है, और इनको घसीटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वो देख सकते हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को यहाँ पे घसीट कर बसों में भरा जा रहा है। तमाम तरीके की तस्वीरें हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर से यहाँ पे वो तस्वीरें देखिए हम बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे लगातार इन लड़कियों को यहाँ से डिटेंट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और इनको बस में लगातार भरा जा रहा है। और एक तरफ पहलवान तिरंगा मार्च करके जो दिल्ली के जंतर मंतर से बैरिकेड तोड़कर इस तरफ से संसद भवन की तरफ लगातार मार्च कर, और ये तस्वीरें अपने आप में देख सकते हैं किस तरीके से लड़कियों को घसीटा जा रहा है, लड़कियों को घसीट कर बसों में भरा जा रहा है। वो देख सकते हैं वो वहाँ पे तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राएं, यहाँ पे एक छात्रा ये देख सकते हैं ये भी लगातार यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ से उठने की बात नहीं कर रही है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इनको घसीटा जा रहा है, यहाँ पे लड़कियों को घसीट कर बस में भरा जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लड़कियों को घसीट कर बसों में भरा जा रहा है। और हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर है आज यहाँ के, कि लड़कियों को यहाँ पे घसीट कर बसों में भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और यहाँ पे जो ये लोग यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो लगातार यही कह रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो। वो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बस से लड़कियाँ निकल कर झांक रही है, और तमाम तरीके की नारेबाजियां हो रही है। क्या वो तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, वो देख सकते हैं जितने भी पहलवान हैं उनको यहाँ पे डिटेन कर लिया गया, और पहलवान के साथ जितने भी लोग थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया। ये आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा सकते हैं। ये लगातार यहाँ पे बसें भर कर जिस सारे पहलवान, जितने भी पहलवान, ये आपको साक्षी मलिक दिख रही होगी, जो साक्षी जी को भी डिटेन कर लिया गया, साक्षी मलिक को भी डिटेन कर लिया गया है। अभी से पहले तमाम लोगों को भी डिटेन कर लिया गया, इन तमाम पहलवान को, विनेश फोगाट के हस्बैंड आपको दिख रहे होंगे उनको भी डिटेन कर लिया गया। एक और बस आ रहा है, उसमें भी आपको हम दिखाने की कोशिश करें। ये देख सकते हैं इनको यहाँ पे लगातार डिटेन किया जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं, लगातार यहाँ तिरंगे के साथ यहाँ पे तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया है। आपको अभी साक्षी मलिक दिख रही होगी, जो साक्षी मलिक को डिटेन कर लिया गया, उससे पहले संगीता फोगाट को डिटेन कर लिया गया, और तमाम लोग जितने भी पहलवान थे यहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर से इनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। वो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए तमाम पहलवान यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर से। आज इनका महापंचायत का ऐलान था कि हम लोग महापंचायत करेंगे, संसद भवन पर महापंचायत करेंगे। तमाम लोगों को यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया। और देखिए विनेश क्या कहना चाहिए, देखिए पूरी तरीके से देखिए ये पहलवानों को कोशिश की जा रही है।
देखिए देखिए पूरी साक्षी मलिक को पकड़ लिया है, साक्षी मलिक को डिटेन कर लिया है। साक्षी मलिक ने कोशिश करी है और ये देखिए भागते हुए साक्षी मलिक पहलवान कोशिश करते हुए जंतर मंतर की तरफ। देखिए लगातार मैं दिखा दूं, साक्षी मलिक को कोशिश कर रहे हैं रोकने की। साक्षी मलिक को शांतिपूर्वक चलना चाह रहे हैं। तो ये जंतर मंतर की हम इसको आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जो जंतर मंतर को भी लगातार खाली कर दिया गया। जितने भी पहलवान थे सभी को डिटेन कर लिया गया है यहाँ से और तमाम लोग यहाँ से उनको ले जाया गया है। अब देखना है कि अभी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट तमाम लोग को यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है, अब आगे क्या होता है। कुछ छात्राएं आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए साफ सी बात है कि आज कहने को हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन किसी भी संसद भवन की जो आत्मा होती है कि एक देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए। जिंदा होने का मतलब है कि लोगों के बीच में संवाद, अगर लोगों के अंदर वाजिब मुद्दों को लेकर गुस्सा है, न्याय को लेकर उनकी अपील है, तो वो अपील का जो संचार है वो कितना फ्रीली हो पा रहा है, एक्चुअली वो लिटमस टेस्ट होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, किसी भी संसद का। तो आज एक बड़ी संख्या में देश के अलग अलग कोनों से लोग नई संसद के सामने महिला सम्मान महापंचायत करने के लिए मौजूद होने वाले थे। जंतर मंतर से भी एक बड़ा हिस्सा जाने वाला था अलग अलग हिस्सों से, लेकिन हर तरीके से हर संभव कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, सिस्टम द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट्स बंद कर दिए गए हैं, वहां से एग्जिट बंद कर दी गई है और यहां पे जंतर मंतर के आसपास जगह जगह बैरिकेड को ऐसे लगा दिया गया है जिस तरीके से यहां, जैसे कि हम आज भी कॉलोनियल टाइम्स में रह रहे हो, हम अपनी सरकार और जिसको कहा जाता है अमृतकाल का समय उसमें जी ही ना रहे हो। तो साफ सी बात है कि ये पूरा प्रतंत्र किसको बचाने के लिए इतना व्यवस्था कर रहा है, जिसको बचाने के लिए इतनी कवायद की जा रही है। ब्रजभूषण चरण सिंह वो साफ तौर पे बीजेपी की पूरी नीयत को रिप्रेजेंट करता है और औरतें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता।